सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। बेलथरा रोड बलिया के उभाव थाने के प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेश्वर मिश्रा ने कहा कि मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि पढ़ाई के साथ शारीरिक खेलों से ही संभव है। प्रभारी निरीक्षक मिश्रा बेलथरा रोड नगर के न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता में शनिवार को फाइनल खेल के उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने स्कूल के प्रबंधक सतीश दुबे को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आयोजित करने की सलाह भी दी। साथ ही साथ उन्होंने शासन द्वारा चलाई गई महिलाओं की सुरक्षा संबंधी महिला पुलिस हेल्प डेस्क की जानकारी विस्तार से दी। इस प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद जैसे खेलों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल की ओर से प्रिंसिपल पूनम प्रसाद, मोनिका दुबे, विजेश पांडे, खुर्शीद नोमानी, अमर प्रताप सिंह, आनंद वर्मा, सत्येंद्र मौर्य, बबलू आर के शुक्ला, दीपक पंडित, अदनान, सुजीत गुप्ता, विशाल गुप्ता, रीता शर्मा, सुप्रिया गुप्ता, तहसीन फातिमा, रौनक, रेखा आदि ने सहयोग किया। समस्त कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक सतीश दुबे, संचालन आनंद श्रीवास्तव तथा मंजीत कुमार ने किया। बलिया से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। जैसा आप सभी लोग देखते होंगे, कभी भी आप किसी थाने से या आप कभी पेपर में भी पढ़ते होंगे कि इस समय हमारी सरकार द्वारा मिशन शक्ति लोग जानते हैं, सुने इसका नाम, ये बच्चियां बताएं ये मिशन शक्ति सुनी है जी? ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे मिशन शक्ति एक चलाया जा रहा है, इसमें हमारी सरकार के द्वारा तमाम आप लोगों की सुरक्षा को लेकर, आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे आप लोग देखती होंगी कि वुमेन पावर लाइन 1090 चल रहा है। 1090 सब जानते हैं जी, 1090, 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी चलता है, 1076 चलता है, 112 सब जानते हैं।